आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आगामी त्यौहार ईद और परशुराम जयंती को शांति पूर्वक मनाए जाने को लेकर सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी पुलिस कप्तान जिले के उच्च अधिकारियों के साथ सिद्धार्थनगर जिले के सभी समुदायों के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। पीस कमेटी की बैठक को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने बताया कि ईद और परशुराम जयंती त्यौहार सामने है। ये दोनों त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसको लेकर जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोगों को बुलाकर उनसे भी अपने अपने त्यौहार को शांति पूर्वक मनाने की अपील की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों को साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ कराने के साथ बिजली पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। जबकि पुलिस कप्तान ने बताया कि इन त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स बल की तैनाती संवेदनशील जगहों पर की गई है। साथ ही कई रूटों का डायवर्जन भी किया गया है। पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने जिले के सभी लोगों से अपने अपने त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। आज जनपद में जो आने वाले पर्व हैं ईद और परशुराम जयंती को लेकर सभी लोगों के साथ बैठक की गई। बैठक में लोगों से ये एश्योर कराया गया कि कहीं पे जिले में किसी भी तरह का शांति न फैले इसके लिए एश्योर कराया गया। सभी यहाँ धर्मगुरु थे, सभी सम्भ्रांत नागरिक थे, सभी लोगों ने ये भरोसा दिलाया कि उनके पर्व वो अच्छे से मनाएंगे और बेहतर ढंग से इस चीज़ को संपन्न कराएंगे। इस यहाँ पर हमारे सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। अधिकारियों से भी ये से निर्देश दिया गया, उनको निर्देश दिया गया कि उस दिन जो है साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराए, बेहतर सुनिश्चित कराए। और सभी हमारे यहाँ थानेदार भी उपस्थित है। थानेदार लोगों ने अपने जिले के बारे में या अपने क्षेत्रों के बारे में, अपने थाना क्षेत्रों के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि कितने जगह नमाज पढ़ी जानी है, सभी जगह शांतिपूर्वक पढ़ाया जाएगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। आज आगामी त्यौहार जैसे ईद, परशुराम जयंती आदि के दृष्टिगत पीस कमेटी मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें पूरे जनपद से जितने भी सम्मानित व्यक्ति उनके साथ वार्ता की गई। यहाँ पे सभी SHO व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे और सभी ने त्योहारों को पीसफुली संपन्न करने का आश्वासन दिया है। और पूरे त्यौहार के दृष्टिगत जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। हमारी UPS द्वारा की PRV व्हीकल्स है उनको अभी इम्पॉर्टेंट जगहों पे पोजीशन की गई है ताकि कम से कम समय में रिस्पॉन्ड कर सके। और जितने भी इम्पोर्टेंट भीड़भाड़ वाले एरिया है वहाँ पे भी DTC लगाई गई है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। साथ ही इम्पोर्टेंट एरियाज में CCTV और ड्रोन कैमरेज के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है और सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।